गाइस, तो पटना चिड़ियाघर के गेट पे हमें मिला हमारा लिट्टी चिकन। फर्स्ट टाइम हम पटना में फूड की ब्लॉगिंग करने वाले हैं, पटना का जायका टेस्ट करते हैं। चलिए लिट्टी चिकन का प्रोसेस देखते हैं क्या क्या है। लिट्टी चिकन सलाद जी, ये रहा लिट्टी। यहाँ अभी लिट्टी की सिकाई चल रही है। क्या सत्तू की लिट्टी है या फिर दाल की? सत्तू की लिट्टी है, बहुत अच्छी। आइए चिकन का एक बार हम रंगत देख लेते हैं। ये देखिए लबाबदार चिकन। तो चिकन अभी भुना जा रहा है, उसके बाद हम लिट्टी और चिकन टेस्ट करते हैं और टेस्ट बताते हैं कैसा है। ये हमें मिला पटना गेट नंबर 2 चिड़ियाघर जो है उसके जस्ट सामने पार्किंग के पास। चलिए पहले ये बन जाए, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं इसका। ये हमारी प्लेट लग रही है। अब क्या कैसे प्लेट भी है यहाँ पे? 60 रुपये, बहुत अच्छे। 60 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लीजिए, ट्राई कीजिए पहले आप। पानी बदल लिया था। चलिए ये फर्स्ट बाइट हमारा तहसीन लगे, इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसा है। कैसा लगा आपको? रेस्टोरेंट की तरह। और चलिए बहुत अच्छे। ये है पटना का जायका और अपने बिहार का फेमस। लिट्टी के साथ चोखा चलता था, अब लिट्टी के साथ चिकन चल रहा है। काफ़ी मज़ा आएगा खाने में। बहुत गर्म है अभी बहुत गर्म है, अभी तो उतरा ही है सेका हो सेक करके। ये रहा, और यहाँ आप देखेंगे ना तो चिकन के साथ साथ एक पूरा अक्खा लहसुन दिया जाता है, जो काफ़ी मज़ा आता है खाने में। आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए। चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं कैसा है, और फिर भैया से हम बात करते हैं। और ये देखिए सलाद में आ गई है नींबू, और ये हमारा प्लेट है रेडी। चलिए इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो ये जो लिट्टी और चिकन का कॉम्बिनेशन है काफ़ी मज़ेदार है, और पहले हम इसको खा लेते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, चिकन भी काफ़ी अच्छे से भुना हुआ है, और लिट्टी का जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल प्योर है सत्तू का। गाइस को देखिए, ये चिकन की जो पीस है काफ़ी अच्छी तरीके से गल गई है, और ऐसे टच करने पर ये टूट गई है और काफ़ी अच्छे से भुनी गई है, और लिट्टी के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा आ रहा है। लिट्टी तो अपने बिहार में खैर फेमस ही है, आप जानते हैं पहले से, और लिट्टी के साथ चिकन इसका कॉम्बिनेशन लाजवाब है। लहसुन है अक्खा, आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से बॉयल हो गई है, देख सकते हैं ऐसे करने पे टूट रही है। और ये इसके साथ जो साबुत आती है ना, काफ़ी मज़ा आता है खाने में। आप कभी चिकन बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं उसमें डाल के देखें और ऐसे खा के बताएं, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और लिट्टी के साथ लाजवाब लग रहा है। ये देखिए, अब हम एक बाइट इसके साथ लेते हैं, एक डाल लेते हैं ऊपर प्याज, और काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने में। तो आज है भैया का फर्स्ट डे। भैया ये आइडिया कैसा है आपको लिट्टी के साथ चिकन का कॉम्बिनेशन? टेस्ट तो आपने किया ना? हाँ, नहीं टेस्ट तो हमने किया, काफ़ी मज़ा आया हमें खाने में। आपको कैसे मतलब ये आया कि हम इस चीज़ की मतलब ये काम स्टार्ट करते हैं? आपको मतलब ऐसा कैसे लगा कि लिट्टी के साथ चिकन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहेगा? नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत लोग देखे कि मतलब नहीं चल रहा था, मतलब यहाँ पर लिट्टी चिकन का दुकान ही नहीं था, सब जगह गए थे हम देखने के लिए। ठीक है, हमको अच्छा लगा यहाँ पर क्योंकि मैंने टेस्ट खुद किया था। ठीक है, घर पर ही बनाकर। जी जी, मेरे को अच्छा लगा, हम सोचेगा मेरे को अच्छा लगा, सबको अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बता रहा हूँ। आज आपका फर्स्ट डे है? जी जी, फर्स्ट डे। तो आप यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। शाम को 7 बजे तक। और आप यहीं रहते हैं मतलब? नहीं नहीं, प्रॉपर यहाँ पर नहीं, गर्दनीबाग मेरा घर है।
नहीं नहीं मतलब जो आप यहाँ जो ये रेडी लगाते हैं तो यहीं लगाते हैं या फिर कहीं और भी लगाते हैं? गाइस तो आप जब भी आए यानी चिड़ियाघर या फिर आप जब भी पटना से हैं तो चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 पे आके भैया का लिट्टी चिकन जरूर ट्राई करें। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है और टेस्ट भी काफ़ी प्यारा है। आप देख सकते हैं भैया कितनी मेहनत कर रहा है, आज इनका फर्स्ट डे है। तो हमारी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपको, आपका बिजनेस काफ़ी आगे बढ़े और हमने तो टेस्ट कर लिया, आप आए तो ज़रूर यहाँ टेस्ट करें। इनका लिट्टी और चिकन का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब है। चलिए भैया ठीक है फिर, धन्यवाद। गेट 2 और जस्ट इसके थोड़ा आगे पार्किंग है, ये रही गाड़ी अपनी लगी हुई, यही भैया रेडी लगाते हैं। तो आप जब भी पटना है इनका लिट्टी चिकन ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी प्यारा कॉम्बिनेशन है और काफ़ी मज़ा आता है खाने में। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करें।